कि क्या है ड्रेसेस सी। तो आइए चलते हैं, ये शशिकांता की रसोई में बनी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी मिठाई है। और देखिए बिना गैस जलाए, बिना चाशनी, बिना मावा के बनी हुई है और लग रही है बिल्कुल खोए की मिठाई। तो आइए चलते हैं शशिकांता की रसोई। नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ, आज मैं एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जिसमें कि आपको ना तो गैस की ज़रूरत पड़ेगी, ना चाशनी की और ना खोए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी मिठाई बनाऊंगी कि सभी को बहुत पसंद आएगी और जिसको खिलाएंगे वो भी पूछेगा ये कैसे बनाई है। तो ये देखिए मैंने वाइट ब्रेड ली हो, ताज़ी ब्रेड लीजिएगा, बासी ब्रेड नहीं लीजिएगा। इस तरह से देखिए ये मैंने 10 पीस ब्रेड के ले लिए हैं। ये आप जितनी बनाए उससे आपसे क्वांटिटी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जैसे ब्रेड है तो इसके ये कॉर्नर जो है वो हम निकाल देंगे। ये चारों कॉर्नर हम इस तरह से निकाल देते हैं। ये देखिए हमने सारी ब्रेड्स के कॉर्नर्स ये निकाल दिए हैं। देखिए इस तरह से चाकू से सब निकाल दिए हैं। इसको फेंकिएगा नहीं, ये जो है इसके जो निकले हुए हैं उसको फेंकना नहीं है। ये देखिए इसको हमको फेंकना नहीं है क्योंकि इसको हम अपने ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जैसे मुझे कुछ नाश्ता बनाना है उसमें भी मिला सकते हैं हम लोग, जैसे टिक्की वगैरह बनाते हैं उसमें मिला सकते हैं, या कोई भी नाश्ता आप इसमें बना सकते हैं। या फिर आप जैसे सूप बनाते हैं तो सूप के लिए भी आप इसमें इसको छोटे छोटे टुकड़े करके सेक के सूप में ऊपर से डाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे इसके हैं तो इस तरह से छोटे टुकड़े करेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर करके इसमें डाल दे रही हूँ। और अगर आपकी छोटी मिक्सी है तो दो बार में पीस लीजिए, बड़ी है तो एक साथ पीस लीजिए। तो इस तरह से आप, मैंने 10 पीस लिए हैं, एकदम वाइट वाली ब्रेड ली है। वाइट ब्रेड से मिठाई ज़्यादा अच्छी बनती है, तो वाइट ब्रेड और ताज़ी ब्रेड हो उससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इस तरह से हम सारे पीसेस में डालकर और इसको मिक्सी को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे पीस इस तरह से डाल दिए हैं। ये देखिए और इतनी टेस्टी मिठाई लगेगी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये खोए की मिठाई नहीं है। ये देखिए करके और मैं इसको पीसती हूँ। ये देखिए ये मैंने सब मिक्सी से पीस लिया, ये देखिए सब मिक्सी में पीस लिया। देखिए कितना बढ़िया ये हो गया है। और मैंने जितना मतलब ये जैसे मान लीजिए मेरा ये 1.5 कप के करीब, 2 कप है मेरे, तो उसमें मैंने 1 कप ये चीनी भी पीस के इसमें मिला दी है। देखिए अब चीनी मिला के और थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखिए चीनी डाल दी और इधर मैंने क्या किया है कि 2-4-5 इलायची लेकर उसको इस तरह से कूट लिया है। कूट के इस इलायची को भी इसमें मिक्स कर दें क्योंकि मुझे इसमें गैस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं इसमें ये देखिए अब इसमें मिला देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें मिल्क पाउडर है, जो भी आपके पास मिल्क पाउडर हो। तो जैसे मेरे पास ये 2 पाउच का था तो मैं ये 2 पाउच ले रही हूँ। ये 2 पाउच मतलब हो गया कम से कम ये आपका 2 बड़ा चम्मच, 2 बड़ा चम्मच हमने मिल्क पाउडर इसमें मिला दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप जो है इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, और नहीं हो तो ऐसे भी बहुत अच्छी मिठाई बनेगी। अब इस तरह से ये देखिए फिर मैंने घी भी अभी कुछ नहीं डाला है इसमें। ये देखिए मिक्स किया। अब मेरे पास ये देखिए फ्रेश मलाई रखी है, ये फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर से निकलती है ना वो मैं रखे रहती हूँ। तो इसको फ्रीजर में रखती हूँ लेकिन बाद में बाहर निकाल के इसको रख लिया है। जब ये थोड़ा वह नॉर्मल आ गई है तब लगा, तब इसको इसमें ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ज़्यादा डालेंगे तो पता लगा कि गीला हो जाएगा तो हमको और ब्रेड डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मलाई थोड़ी थोड़ी मलाई डालेंगे, इसको मिलाते हैं। और प्रोसेस पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मिठाई जो है बिना गैस जलाए और कितनी टेस्टी और कितनी बढ़िया मिठाई बनती है। देखिएगा अभी आप इसको, बहुत ही अच्छी मिठाई लगेगी, मेहमानों के सामने भी रख देंगे ना तो वो भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है। ये देखिए
हमारा इतने ही मलाई काफ़ी हो गई है। देखिए अच्छे से हमारा डो बन जा रहा है। देखिए ये देखिए, खूब बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं, बहुत अच्छे से ये डो बन जाएगा। ये देखिए इसे मिक्स कर दिया हमने, और एक थोड़ा सा ये एक छोटा चम्मच मैंने इसमें थोड़ा घी भी डाल दिया है, ये देखिए, और उसको घी डाल के भी इसको और मिक्स कर देते हैं। और इधर मैंने ये देखिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश और काजू और बादाम, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा अंदर डाल देंगे और थोड़ा बाहर गार्निशिंग लिए रख देंगे। ये देखिए और इसको हम 15-20 मिनट के लिए इसको रख के फ्रिज में रख देते हैं, तो ये आपका आसानी से जम जाएगी बर्फ़ी, हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया है हमारा मिक्स। क्या करेंगे, हमने एक कैप जो भी बर्तन हो, मेरे पास तो है ये बर्तन, इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। आपके पास बर्तन हो इस तरह का तो ठीक है, नहीं तो आप थाली या प्लेट में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसको इस तरह से डाल के और इसको जमा देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सारा डाल दूंगी, ये देखिए, और इस तरह से पहले हाथ से कर देते हैं, फिर इसको चम्मच से कर देते हैं। देखिए बहुत अच्छी बर्फी बन के तैयार होगी। ये देखिए अभी इसको मिला देते हैं पूरा, इसको एक लेबल में ले आते हैं, या तो चम्मच से कर लीजिए या फिर ये देखिए इससे मैं इसको एक लेबल में ले आई। देखिए इस तरह से इसको हम बिल्कुल एक लेबल में ले आएंगे, तो इसको बराबर कर देते हैं। देखिए ये देखिए इसको बराबर करके इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनेगी, और पता ही नहीं चलेगी कि ये ब्रेड से बनी हुई बर्फ़ी है, इतनी अच्छी और टेस्टी लगेगी आपको। ये देखिए, और इस तरह से करने के बाद इसको फिर से दबा देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप इसको कटोरी से भी कर सकते हैं, और इस तरह से, और ज़रूर पसंद आएगी तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। तो इसको देखिए करके इसको आधा घंटे के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको इसके पीस करके दिखाती हूँ। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, हमने फ्रिज में से निकाल लिया इसको, देखिए किच्छे से जम गई है, देखिए बढ़िया, और लग रही है ना बिल्कुल खोए की मिठाई। और इसको हम इस तरह से जैसे आप चाहें इसके पीस अपने अकॉर्डिंग काट लीजिए इसको, तो इस तरह से हम इसके पीस काट लेते हैं, जितने बड़े आप चाहें या जैसे चाहें जिस शेप में चाहें वो काट लीजिए उसको। ये देखिए मेरे पास तो ये चांदी का बर्फ था, और तो मैं इसको इसमें लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें लगा दे रही हूँ। अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत लगाइए, लेकिन अगर है तो लगा दीजिए। देखने में भी मार्केट जैसी हलवाई की तरह मिठाई लग रही है ना, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये हम लाए हैं मिठाई। ये देखिए इस तरह से हम पूरा अपना लगा देंगे। ये देखिए बन के तैयार हो गए। अब इसका एक एक पीस मैं धीरे धीरे आपको निकाल के दिखा देती हूँ अभी। ये देखिए बना लिया, और देखिए आराम से निकल रही है, देखिए कितने आराम से ये पीस, देखिए कितने आराम से ये पीस, ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी डिलीशियस, और देखिए कितनी बढ़िया। ये ऐसे मैं एक एक करके अपने पीस निकालती जाऊँगी, देखिए कितने आराम से निकल रही है। ये देखिए लग नहीं रही है, बिल्कुल लग रही है ना खोए की मिठाई। इस तरह मैं अपने सारे पीस निकाल दिया। ये देखिए बन के तैयार हो गई हमारी कि ब्रेड से बनी हुई मिठाई, लग रहा है ना खोए की मिठाई,
और बिना गैस के ये बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देंगे ज़रूर इसको, क्योंकि आसानी से आप बना सकते हैं, गैस आ जाए तब भी बना के रख सकते हैं इसको। और सब्सक्राइब चैनल ना किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।